इस फेशियल को तैयार करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टमाटर हमारी स्किन को टाइट करता है, स्किन को शिंक करता है, सनटेन को रिमूव करता है, स्किन पे एक नेचुरल सा ग्लो देता है, एक्ने पिंपल्स की समस्या को भी दूर करता है। टमाटर बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। आज की जो रेमेडी है उसके दो स्टेप है लेकिन रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशु वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल नेचुरल ब्यूटी विद अंशु में। तो चलिए देख लेते हैं कि रेमेडी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक पका हुआ टमाटर, इसे हमें दो टुकड़ों में कट कर लेना है। टमाटर में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, आपको कहीं शादी पार्टी में जाना है, तभी भी आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट में बहुत ही अच्छा ग्लो आने वाला है आपके फेस पे, बिना समय और बिना पैसे खर्च किए हुए। घर के काम करते करते आप इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टमाटर को कट कर लिया है। अब हमें चाहिए एक चम्मच चीनी। आप चीनी ले सकते हैं, चावल का आटा ले सकते हैं या फिर कॉफी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं एकदम सिंपल सी और इजी रेमेडी आप सभी को बता रही हूँ। कभी कभी जब कोई एक इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं होता है तो आप उस रेमेडी को वहीं पर स्किप कर देते हैं। मैं भी कभी कभी ऐसा ही करती हूँ। तो जितनी सिंपल रेमेडी होती है उतना इजी होता है, हम उसे बना पाते हैं, अपने चेहरे पे अप्लाई कर पाते हैं। और जो DIY रेमेडी होती है उसका रिजल्ट हमें मिलता ही मिलता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते DIY रेमेडी के। तो यहाँ पे हमें चाहिए एक पका हुआ टमाटर, उसके दो टुकड़े कर लेने हैं। एक चम्मच हमें चीनी चाहिए, चीनी नहीं तो चावल का आटा ले लीजिए या फिर कॉफी, तीनों में से कुछ भी। चीनी में हमें टमाटर को डिप करना है, अपने चेहरे पे स्क्रब करना है। इससे हमारे फेस पे जो भी गंदगी है, टैनिंग है, डेड सेल्स है, सब कुछ रिमूव हो जाएगा 2 से 3 मिनट में। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की समस्या है तो आपको 1 से 2 मिनट मसाज करना है, उसके बाद हल्का सा स्टीम लेना है, उसके बाद वापस आपको मसाज करना है। इससे अगर आपको ब्लैक हेड्स की समस्या है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। हम स्टीम लेते हैं तो उससे हमारे फेस पे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो उन्हें सिंक करना भी जरूरी होता है। तो रेमेडी का जो प्रोसेस होता है कंप्लीट होने के बाद, पोर्स को सिंक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए चाहे तो आपके पास ठंडा पानी है फ्रिज में तो उससे हल्का सा फेस को वॉश कीजिए, या फिर आइस क्यूब है तो आइस क्यूब से 1 से 2 मिनट मसाज करेंगे तो उससे हमारी स्किन पर ग्लो भी आता है और पोर्स भी सिंक हो जाते हैं। तो मसाज कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे बनाना है फेस पैक। फेस पैक बनाने के लिए हमें एक चम्मच चाहिए यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी मोस्टली सबके घरों में रहता है, अगर नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी की जगह पे चावल का आटा भी ले सकते हो या फिर गेहूं का आटा भी ले सकते हो या फिर बेसन ले सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल 1/2 चम्मच। ये मार्केट वाला है, अगर आपके पास प्लांट है तो प्लांट वाला फ्रेश एलोवेरा जेल भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच हमें लेना है यहाँ पे दही, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप दही की जगह पे कच्चा दूध भी ले सकते हैं। उसके बाद 1 पिंच हमें यहाँ पे ऐड करना है हल्दी, ये गांठ वाली हल्दी है, उसका पाउडर बना के मैंने का है। अगर इस तरह का DIY आप रेगुलर अपने चेहरे पे अप्लाई करना चाहते हैं तो गांठ वाली हल्दी लाके उसका पाउडर बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी रेमेडी बनाते हैं तो बस 1 पिंच ही हल्दी लगती है। और उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करके एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट हमें रखना है इसे रेस्ट करने के लिए, जिससे कि यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट हम मिक्स किए हैं एक दूसरे में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। उसके बाद पूरे फेस पे हमें अप्लाई कर लेना है, 10 से 15 मिनट रखना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो नॉर्मल वाटर से हमें इसे रिमूव कर देना है। यहाँ पे रेमेडी थोड़ी सी बच गई तो मैंने हैंड पे भी अप्लाई किया। जब भी आप कोई रेमेडी बनाते हैं तो अगर थोड़ी सी बच जाती तो उसे फेंके नहीं, हैंड पे अप्लाई कर सकते हैं, आप नेक एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम रेमेडी बनाते हैं तो उसमें हमारे इंग्रेडिएंट जाते हैं, मेहनत भी लगती है, तो उसे फेंकना क्यों। जब भी बचती है तो आप नेक एरिया पे भी अप्लाई कर लीजिए। रेमेडी को आप फ्रिज में भी 1 से 2 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे हमने दही का इस्तेमाल किया है। दही में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर आपके फेस पे दाग धब्बे हैं तो दाग धब्बों को बहुत तेजी से आप रिमूव कर सकते हैं इस रेमेडी से। और इस फेस पैक को आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे दाग धब्बे हैं, फिर कि इसकी नॉर्मल है, कोई भी दाग धब्बे नहीं है, आपको अपनी स्किन को टाइट बनाना है, ब्राइट बनाना है, ग्लो लाना है चेहरे पे, तो हफ्ते में एक बार अप्लाई करेंगे तभी भी बहुत अच्छा निखार आएगा आपके चेहरे पे। तो आई होप ये रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, जिससे कि जब भी कोई नई रेमेडी शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले